I can feel the power, I can feel the power. Feel the power. Yeah, money that is time and hour. Time and hour. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे नए व्लॉग वीडियो में। आज दुर्गा पूजा का पहला दिन है, तो सबसे पहले तो नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। तो मैं नवरात्रि करती हूँ, 9 दिन फास्टिंग रहता है मेरा। तो यहाँ घर के जैसा तो नहीं है पूजा स्थल, लेकिन एक छोटा सा पूजा स्थल है जहाँ पर मैं दुर्गा माँ की मूर्तिमा स्थापित करती हूँ और वहीं पर मैं पूजा करती हूँ। देखिए, मैंने पूजा स्थल को अच्छे से सजा दिया। ऊपर में माँ की मूर्ति माँ को रखे हैं, नीचे में पूजा का जो भी सामान है वो सब नीचे में रखे हैं। तो पूजा स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखिए, अभी मैंने पूजा समाप्त किया है और आज मुझे पूजा में बहुत लेट हो गया है। पहले रूम का साफ़ सफाई करना था, क्योंकि मैं 9 दिन वो फलाहार पे रहती हूँ। मैं कितने लोग अरवा अरवन खाते हैं तो मैं नहीं खाती हूँ, तो इसलिए मुझे वो फलाहार लेने भी जाना था, पूजा के लिए सामान लेने भी जाना था। तो आज मुझे लेट हो गया है पूजा करने में। तो देखिए, अभी मैं सो के उठी हूँ और अभी शाम के 4 बज गए हैं, क्योंकि पूजा करने के बाद मैंने प्रसाद खा करके उसके बाद मैं सो गई थी। उसके बाद मैंने कुछ फलाहार नहीं लिया था, तो अभी मैं जाऊँगी किचन में और अपने लिए कुछ फलाहार बनाऊँगी। तो देखते हैं किचन में, आज तो पहला दिन है तो उतना कुछ नहीं खाने का मन कर रहा है, फिर भी सोच रहे हैं कुछ फलाहार बना लेते हैं। तो खीरा या कुछ फ्रूट ले लेते हैं। आज सुबह सुबह मैंने अपना पूरा किचन धोया है, तो आज मेरा किचन भी पूरा क्लीन क्लीन दिख रहा होगा। और फिर यहाँ पे मैं दूध पहले उबाल लेती हूँ। तो देखिए, मैंने फलाहार में 1 प्लेट खीरा ले लिया है और 1 कप दूध ले रही हूँ। इस दूध चाय पीने का तो मन नहीं करता है, और वैसे भी मैं फास्टिंग में चाय बहुत कम पीती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ एक स्केच बनाने, जो कि आप लोगों को वीडियो के लास्ट में दिखेगा। तो आज दुर्गा पूजा का पहला दिन है, तो स्केच कुछ उसी टाइप का बनाएंगे, दुर्गा माँ का पैर बनाने का सोच रहे। तो